देवघर से डिब्रूगढ़ भाया हजडिया मोहनपुर रूट होकर चलेगी ट्रेन। फरवरी महीना के किसी भी दिन इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। दोस्तों, रेलवे के द्वारा समय सारणी भी जारी हो चुकी है और साथ ही लगभग में ये भी बता दिया गया है कि इस ट्रेन का जो परिचालन है किस दिन हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबको कई सारी जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सबको पूरी जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप सबको ट्रेन से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलते रहती है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मोहनपुर हजडिया नई रेल लाइन रूट पर चलेगी देवघर से डिब्रूगढ़ वाली नई ट्रेन, जिसका मंजूरी रेलवे की तरफ से मिल चुकी है। रेलवे के द्वारा बताया गया है कि फरवरी के किसी भी दिन इस ट्रेन का जो परिचालन है वो शुरू हो सकती है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय ने इस नई ट्रेन की रूट में बदलाव करने की मंजूरी दी है। वही दोस्तों, इस ट्रेन को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रेलवे के द्वारा जो समय सारणी में बदलाव किया गया है उसे जानते हैं, इसके बाद फिर और सब जानकारी के बारे में बात करेंगे। देवघर से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन देवघर स्टेशन से रात के 8:05 में रवाना होगी। दूसरे दिन 11:30 में यह ट्रेन डिब्रूगढ़ स्टेशन पहुंच जाएगी। वापस का बात करें तो दोस्तों, यह ट्रेन डिब्रूगढ़ स्टेशन से रात के 1:00 रवाना होगी। दूसरे दिन सुबह 6:00 देवघर स्टेशन यह ट्रेन पहुंच जाएगी। पहले इस ट्रेन का जो परिचालन है दोस्तों, वह दुमका पाकुर रूट होकर होना था, लेकिन इसके रूट में बदलाव किया गया। अब यह ट्रेन मोहनपुर हजडिया होते हुए डिब्रूगढ़ जाएगी। इस रूट होकर इस ट्रेन का परिचालन होने से दुमका वासियों को, देवघर वासियों को और गोड्डा वासियों को लाभ मिलेगा। रेलवे के रिपोर्ट के मुताबिक इस रूट पर ट्रेन का परिचालन होने से समय की बचत होगी। साथ ही इस रूट पर ट्रेन चलने से देवघर, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया व कटिहार जैसे शहर से जुड़ जाएगा। देवघर से सुल्तानगंज जाने वाले यात्री को भी सुविधा मिलेगी। डिब्रूगढ़ से नॉर्थ बैंक होते हुए देवघर तक वर्तमान में कोई सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं है। दोनों स्थानों के बीच यह ट्रेन सेवा की शुरुआत होने से इस क्षेत्र के लोगों की यात्रा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा और इस रूट से रेलवे को अच्छा आमदनी भी होगी। आइए जानते हैं दोस्तों, इस ट्रेन का जो ठहराव है वह किस किस स्टेशन पर अभी तक रेलवे ने बताया है। जब यह ट्रेन देवघर से चलेगी तो देवघर, मोहनपुर, हजडिया, मंदार हिल, भागलपुर, सुल्तानगंज, बरियारपुर, मुंगेर, खगड़िया, नवगछिया, कटिहार, बारसोई, किशनगंज, आलूबारी, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कुछ बिहार, कोकराझार, विश्वनाथ चार्ली, हरमूर्ति, नॉर्थ लखीपुर और डिब्रूगढ़। तो दोस्तों, यह था वह जहां पर इस ट्रेन का जो ठहराव है। तो दोस्तों, अब रेलवे जैसे ही इस ट्रेन का अपडेट करेगी उसका जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। यदि दोस्तों आज की इस वीडियो से आप सबको कुछ नया जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस ट्रेन के चलने से आप कितना ज्यादा खुश हैं। अपना खुशी का इजहार जरूर कमेंट बॉक्स में करें और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम हमेशा ट्रेन से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। बाय बाय।